हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर हम मिलते हैं। अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ और अपना वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी है लॉकडाउन के, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने ट्राई किया कि आओ चलो गाने वाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब वीडियोज़, नेटफ्लिक्स, जो हम सब करते हैं, OTT कंटेंट देखना। बट इसमें मेरे पास एक डिफरेंट सेट ऑफ हेडफोन्स थे। एक आईफोन का हेडफोन है, दूसरा बोट कंपनी का है, देन आई हैव स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, बहुत सारे टाइप के हेडफोन्स है। तो क्या होता है, कभी कभी जब मैं हेडफोन स्विच करता हूँ, दूसरे टाइप के यूज़ करता हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि हमारे पास दूसरे टाइप के 3.5 mm कनेक्टर्स रहते हैं। कुछ होता है स्टैंडर्ड मोबाइल बेस्ड और कुछ होता है स्टैंडर्ड कनेक्टर, जो कि हर एक मोबाइल में कंपैटिबल होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उस कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में या किसी किसी लैपटॉप के साथ में, तो मोबाइल फ़ोन के साथ मुझे ये दिक्कत है कि कभी कभी मेरा गूगल असिस्टेंट खुल जाता है या मेरा वीडियो प्ले पॉज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने गूगल भी किया और मैंने ट्राई किया कि क्या है, तो मैंने सोचा कि मेरे को जो रेमेडीज़ मिली मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने इस वीडियोस को 3 to 5 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। पहला जो स्लॉट है इसमें मैं सिर्फ आपको कनेक्टर्स के बारे में समझाऊंगा। सेकंड जो वीडियो मैं रिलीज़ करूंगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक हेडफोन जैक जो कि इनकम्पैटिबल है और जो सिमिलर टाइप की गूगल असिस्टेंट या वीडियो प्ले पॉज का इश्यूज़ जो ये दे रहा है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तीसरा जो वीडियो आएगा वो आएगा मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो फॉर्मेट्स के लिए, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास MP3 होता है जो कि एक बहुत पॉपुलर है, देन वो उसके बाद होता है अपना FLAC, फिर होता है ACC, एप्पल का अपना खुद का फॉर्मेट है विच इज़ कॉल्ड एज ALAC, और फिर होता है वेव विच इज़ लॉसलेस। तो कौन से फॉर्मेट लॉसी फॉर्मेट्स हैं, कौन से नॉन लॉसी फॉर्मेट्स हैं, किस में हमको क्या फ़ायदा है, किस में हम कम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, किस में हमारी स्पेस ज़्यादा जाती है लेकिन उसके बाद हमको क्वालिटी भी मिलती है, तो ये सब आगे की वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो आज स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सो लेट्स रोल द इंट्रो। ये देखिए, हमारे पास जो स्टैंडर्ड कनेक्शन जो मेरे पास घर पे अवेलेबल हैं, दो टाइप के कनेक्टर्स मैं यूज़ करता हूँ जो भी मेरे हेडफोन से। एक है स्टैंडर्ड TRS और एक है TRRS। ये कनेक्शन का मैंने आगे डायग्राम में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट टाइप का हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे एक टिप है और एक स्लीव है जो कि यूज़ होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और गिटार के अंदर, और एविएशन इंस्ट्रूमेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं। एक मोनो टाइप का कनेक्शन है जो कि एक सिंगल स्पीकर को सपोर्ट करता है, या तो आप इसको लेफ्ट में लगा सकते हैं या राइट में। अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों चाहिए तो आपको इस टाइप के दो कनेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। सेकंड वाला होता है TRS कनेक्टर, जिसमें एक टिप होती है, एक रिंग होती है और स्लीव होती है, और ये एक स्टैंडर्ड हेडफोन्स को यूज़ करता है जो कि एक ही कनेक्शन में आपको स्टीरियो का इफेक्ट दे सकता है। स्टीरियो माइक्रोफोन्स या स्टीरियो स्पीकर्स में हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तीसरे टाइप का जो कनेक्शन है वो है TRS मेल कनेक्शन, जिसमें एक टिप होती है, एक रिंग होती है और एक रिंग होती है और एक स्लीव होती है, विच मीन्स इसमें दो रिंग होती हैं। दो जो रिंग होती हैं उसका जो डिस्कशन आगे बताएंगे, बट इसमें एक टिपिकल है कि एक नोकिया, सैमसंग, पैनासोनिक, एप्पल, ये जो डिफरेंट कंपनीज़ है ये इस टाइप के कनेक्टर्स यूज़ करती है मोबाइल फ़ोन्स में, और आपको ये कुछ लैपटॉप्स में भी देखने को मिल जाएगा, डेल में, HP में, क्योंकि आजकल एक हाइब्रिड स्लॉट जो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक माइक्रोफोन लैपटॉप्स में इंटरनल इनबिल्ट होता है। लेकिन हेडफोन कनेक्शन में अगर आप वेबचैट वगैरह कर रहे हैं और अगर आप अपना इंटरनल माइक्रोफोन ना यूज़ करके एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको इसी टाइप का एक जो मेल कनेक्टर है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसमें दो टाइप के जो स्टैंडर्ड्स है वो है OMTB और एक CTIA। तो ये जो दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, वन इज़ यूज बाय नोकिया और दूसरा जो है वो एप्पल, सैमसंग, पैनासोनिक और MI वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये जो टिप, रिंग, रिंग, स्लीव है, ये अपन आगे वाले डायग्राम में देखते हैं कि इनमें क्या है। जो फर्स्ट कनेक्शन है वो है अपना लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला दैट इज़ टिप, जो सेकंड वाला है रिंग दैट इज़ राइट, तो थर्ड वाला रिंग होता है दैट इज़ ग्राउंड, और फोर्थ वाला जो स्लीव है दैट इज़ माइक्रोफोन। तो जहाँ पे ये थर्ड वाला रिंग ना होके डायरेक्टली अगर आपको स्लीव दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि उसमें ग्राउंड कनेक्शन डायरेक्टली और माइक्रोफोन का कनेक्शन नहीं है, तो अगर हम इस टाइप का जो कनेक्टर है अगर वो अपन स्टैंडर्ड TRS टाइप में यूज़ करते हैं, मतलब TRRS वाले उसमें हम यूज़ करते हैं, किसमें, फीमेल जैक में, अगर आपके पास मेल है TRS और फीमेल यानी कि जो मोबाइल का जो पोर्ट है जहाँ पे आप हेडफोन लगाते हैं वो है TRRS, तो हमें वो गूगल असिस्टेंट वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आती है कि आपका वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले पॉज होता है, वो दिक्कतें आती हैं। इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।